हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी3 मोटरार्ड। तो यार देखो, आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, जो अपने पास ग्रुप की बाइक थी डार्क नाइट एडिशन, उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मतलब क्या क्या टूटा है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है तो राइडर था उस टाइम, वो बिल्कुल सेफ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, जिसके साथ एक्सीडेंट भी हुआ वो लोग भी सेफ ही रहे, सब कुछ सेफ है। बस थोड़ा बाइक का काफ़ी हद तक नुकसान हो गया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या टूटा है और अब कैसे इसको ठीक कराने वाले हम लोग। देखो, जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ था उस स्पॉट से तो हम लोग आ चुके हैं, और वो एक्सीडेंट भी हुआ था कल, तो वहाँ से किसी तरीके से हम लोग निकल आए थे। मतलब बाइक चलने लायक कंडीशन में थी, थोड़ा सा हैंडल नहीं मुड़ पा रहा, और ये देखो ये पैनल पूरा चला गया। साइड फेयरिंग देख लो, ये चली गई है पूरा। मतलब यार, अब फेयरिंग वाली बाइक है, यही तो नुकसान होता ही होता है, गिरने के बाद जाती जाती है। और क्लच लीवर ब्रेक हो चुका है, वाइजर ब्रेक हो चुका है, इसमें बोल्ट वाइजर अभी लगाया था, बोल्ट वाइजर और विंगलेट भी टूट के गिर चुका है, और वाइजर भी। और इसका सबसे बड़ी बात, इसका ना शॉकर भी मतलब बैंड हो चुका है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा। ये देखो, दिखाने की कोशिश करता है इस साइड से, अरे मैंने इसको चलाया था थोड़ा सा, तो शॉकर बिल्कुल आगे जा रहे हैं, और कौन साइड भी चला गया इसका ना। देखो सारा, और बचा ही गया, और साइड पैनल होते हुए बस। ये देखो इस तरफ की ग्रिपिंग, पूरा अलाइनमेंट आउट हो गया बाइक का पूरा। देखो टच हो रहा है पूरा इंजन में, पूरी फेयरिंग चिपक गई है। और टायर देख लो, अभी थोड़ी सी चलाई है हम लोगों ने, इस वजह से ये काला काला हो गया है टायर लग के, क्योंकि रात का टाइम था। तो यार देखो, आना भी जरूरी था, इंतजार नहीं कर सकते थे, खाली रोड था, कुछ ऐसी सेफ प्लेस मिली नहीं पार्किंग वाली, और 5-6 किलोमीटर दूर था घर, तो ले आए इसको चला के, तो उस वजह से ये काला काला हो रहा है। देखो मुड़ भी नहीं पा रहा है, इसलिए पूरी फेयरिंग आउट हो गई है चला के लाने की वजह से। देखो अपनी वाली खड़ी हुई है जैसा कि दिख रहा है आपको, उसमें काफी चेंजेस करे गए हैं, उस पर ब्लॉग आने वाला है। तो जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लो, उसमें 5-7 हज़ार रुपये खर्चे किया गया है अभी। और एक झलक दिखा देता हूँ आपको, दिखा कुछ, बस उस पर ब्लॉग आने वाला है, अगला ब्लॉग उसी पे होगा। यार देखो, अभी हम लोग निकल रहे हैं, सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, और सर्विस सेंटर पे इसको हम जो बाइक को कराने वाले हैं ना, ठीक, वो इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हैं इसका, क्योंकि नई बाइक है और इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है ही अप टू डेट। और तो उसके लिए हम लोगों को कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं, जैसे इंश्योरेंस पेपर, वो हमने ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑनर गाई और RC, तो सब हम ले चुके हैं और जाने वाले हैं। अपना सर्विस सेंटर जाते हैं, वहीं जाके क्लेम में करते हैं। 10-15 दिन का प्रोसेस रहता है पूरा, बट ठीक है यार, जब इंश्योरेंस ले रखा है तो क्यों अपने 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने बेकार में। तो अब चलते हैं यार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर, तब तक ले राइड सेफ। और बेटा है तूने, तो इस बाइक को लेके जा रहे हैं अब सर्विस सेंटर, बड़ा ही टफ है। और ये जैसा कि आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, सब कौन साइड भी जा चुका है, तो हम लोग सोच रहे हैं इसको खुद ना लेके जाके RS से लेते हैं अपना। देखो अगर आप लोग कंटेंट में थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, कुछ कंटेंट बढ़िया लग रहा है, और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है ना,
बहुत ही रॉकिंग होने वाला है, क्योंकि अपनी बाइक में कुछ चेंजेस करे गए हैं कुछ, और बहुत हद तक अच्छी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करी है। अगला ब्लॉग उस पर होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही वो ब्लॉग आए ना आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। और ब्लॉग 1 से 2 दिन में आने वाला है बस। तब तक के लिए यार राइड सेफ।